मेरी कहानी का नाम है पानी का महत्व। राज बहुत मस्ती करने वाला बच्चा था। हमेशा वो अपनी मम्मा की मदद करता था। एक दिन उसकी मम्मा पौधों को पानी दे रही थी, तभी उनको याद आया कि उनको तो ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तभी वहाँ राज आया। राज की मम्मा ने उससे पूछा कि तुम मेरी मदद करोगे? राज ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। राज की मम्मा किचन में काम करने चली गई और राज पौधों को पानी देना शुरू कर दिया। राज की मम्मी जब किचन से आई, उन्होंने देखा कि राज पानी से खेल रहे हैं और टंकी का सारा पानी खत्म हो चुका था। राज की मम्मी राज पे बहुत गुस्सा करती है और वो राज के पापा को फोन लगा के कहती है कि पानी का इंतजाम करो। राज गार्डन में उदास अकेला खड़ा रहता है, तभी वहाँ कुछ पक्षी पानी पीने के लिए आते हैं, पर बर्तन में पानी नहीं होता है। उसे देख के राज और उदास हो जाता है। तभी उसको अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वो घर में जल्दी से भाग के जाता है और वो पानी ढूंढता है, पर वह पानी नहीं होता। फिर वो जल्दी से अपना फ्रिज खोल के उनमें से एक पानी की बोतल उठाता है। राज बर्तन में पानी डालता है और पक्षी उसको पी के खुशी खुशी उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद राज की मम्मी वह आती है और देखती है कि राज को अपनी गलती महसूस हो गई है और उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाती है। राज को समझ जाता है कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखा आपने इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? पानी हमारे लिए बहुत कीमती है। पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। पानी बहुत कीमती है, इसे बचाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको ढेर सारा लाइक और उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। बटन दबा के पंजा मार के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय गाइस। देखा, इसको भी मेरी कहानी समझ में आ गई है।